उत्तर प्रदेश के जनपद गोड़ा की रहने वाली पीड़िता राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में अपने पति का इलाज कराने आई। पीड़िता ने बताया कि उसकी बहन के साथ पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने पीड़िता की बहन से छेड़छाड़ किया और जब इसकी शिकायत लेकर पीड़िता और उसके पति दबंग व्यक्ति के घर पहुंचे तो घर के लोगों ने मिलकर पीड़िता और उसके पति पर लोहे की रॉड से जमकर पीटा और मार मार कर अधमरा कर दिया। पीड़िता का पति लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है, लेकिन स्थानीय थाने में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़िता लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन पीड़िता को कहीं भी इंसाफ नहीं मिला और न ही दबंगों पर कोई कार्यवाही हुई। हमारा नाम है तौसीर। क्या मामला हुआ? हमारा ये मामला यही हुआ कि हमारे साले हमारे यहाँ आए थे, उसी दिन गए जब वो घर पे, तो उसके बाद 7-8 बजे खबर आई कि तुम्हारे साले को जो है मार के सब कोई फेंक दिया। तो जब वहाँ पे मौके पे हम पहुँचे तो जब नवाबगंज थाने पे गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ से हमारी बहन जो है लेके चली गई उनको जो है गोंडा। गोंडा जब गए हम तो पता चला कि लखनऊ लेके गए। तो आज जब यहाँ फैजाबाद हम आए, अरे लखनऊ में आए, तो लखनऊ में पता चल रहा है कि सब कह रहे हैं डॉक्टर कि ऑपरेशन होगा तो क्या होगा तो क्या होगा, इसीलिए हम लोग सब कोई परेशान थे। काहे से मारा है? वो लल्ली थी, लल्ली की अम्मा थी और जो है छोटे थे। काहे से मारा है? कुल्हाड़ी से, फरवे से, जो जिस चीज मिली है जिस चीज से पिटाई करी है। क्या अभी आपके बहनों की सीरियस हालत? हाँ सीरियस है हालत। थाना कौन सा? नवाबगंज। क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई ये है कि एक दिन पुलिस गई थी, एक दिन के बाद फिर पुलिस नहीं गई वहाँ। मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? हम अपील यही करेंगे कि उनको लोग को जल्दी से जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजा जाए, वह हमारी यही अपील है मुख्यमंत्री। नवाबगंज। क्या मामला हुआ पूरा? पूरा जब का नाम हमारा जेठ की लड़की थी, जब उसका पूछने लगे मतलब क्या हो, तो जब पूछने गए इनके चाचा तो बोले कि हाथ पकड़े क्यों थे, तो बस सब चारों लोग मिलके फरुआ कुदार और लोहे की सरिया से सब लोग मारने लगे। कौन कौन? अरे उनके छोटे और क्या बोलते हैं लल्ली की अम्मा, लल्ली, निशा और मुबारक के आमिर, आदिल और ऐसे मानने वाले बहुत लोग थे। होलापुर तालिब आपके पास घर के? हाँ घर के पास में। अच्छा, और कोई बात तो भी पहले भी कभी लड़ाई? हाँ ऐसे लड़ाई होती रहती थी, कोई हिलने लेकर मतलब लड़ाई होती रहती थी। थाने गई थी? हाँ थाने गए थे मगर सुनवाई कोई नहीं हुई। वहाँ से बोले कि जाओ गोंडा ले जाओ, तो जब नवाबगंज ले गए तो वहाँ से कहे गोंडा ले जाओ, बहुत सीरियस इनकी हाल। हम यहाँ लेकर आए तो बोले कि यहाँ से मतलब रेफर कर दिए लखनऊ, लखनऊ के लिए। हमारी सुनवाई कुछ नहीं की। मियां की क्या? नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं जवाब दे रहे हैं डॉक्टर। हाँ ऑपरेशन के साथ सरकार से हम चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ हो, नहीं ऐसे ही पर का पाए रहेंगे, हर बार मार। हाँ कार्रवाई नहीं होती कहीं सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब छोड़ के 3 बच्चे।